हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम टेन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर ब्रह्मा सीरीज़ का पार्ट थ्री। ब्रह्मा सीरीज़ इसलिए इसका नाम है क्योंकि लास्ट वन ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ये 5 से 6 वीडियो का एक सीरीज़ रहेगा जिसमें आपका पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इन शॉर्ट मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने पूरे 1 साल का करंट का वीडियो नहीं देखा है तो ये 5-6 वीडियो पढ़ के एटलीस्ट आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट, वो तो कवरअप हो ही जाएंगे। तो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लें। बात आती है इस वीडियो किस किस एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जैसे आज है हमारा नेट का एग्ज़ाम, उसके बाद हमारा वीडियो का एग्ज़ाम, RPF, UPP, तो जितने भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आने वाले 4 महीनों में जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे सबके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। तो सभी सीरीज को देखना बिल्कुल मत भूलें। ठीक, आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से पीछे हटने की बात कही है? तो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप किस किस संगठन से पीछे हट चुके हैं? तो हमारा है NAFTA, COP 21, जो कि पेरिस अग्रीमेंट हुआ था 2015 में, जिसमें यह बात की गई थी हमें क्या करना है, कार्बन का उत्सर्जन कम करना है, यूनेस्को और TPP। इस समय इसके हेड कौन है, रॉबर्टो अजवाडो ब्राज़ील। ठीक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेड कौन है, ब्राज़ील के रॉबर्टो अजवाडो। नेक्स्ट बात करते हैं, कश्मीर की पहली मुस्लिम महिला पायलट कौन है, इरमा हबीब है। कौन है, इरम हबीब है, कश्मीर की पहली मुस्लिम महिला पायलट। अगला क्वेश्चन हमारा, सऊदी अरब में रिलीज़ होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म कौन सी? आपको पता है कि सऊदी अरब में फिल्म्स जो है वो देखना बैन था, लेकिन सब अभी हाल ही में इसे खोला गया और पहला फिल्म कौन सा लगा था हॉलीवुड का, ब्लैक पैंथर, फरवरी में लगा था। ठीक, इसी साल फरवरी में ब्लैक पैंथर रिलीज़ हुई थी, तो हॉलीवुड में तो ब्लैक पैंथर लगी थी। और बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड की पहली फिल्म कौन सी है, गोल्ड, अक्षय कुमार की मूवी है गोल्ड, जो कि ओलंपिक से रिलेटेड है। ठीक, अगला हमारा, इंग्लैंड के किस पूर्व कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, जो अपना आखिरी टेस्ट मैच भारत के साथ खेलेंगे, एलिस्टर कुक। सर्वाधिक टेस्ट रन भी बनाने वाले कौन है, एलिस्टर कुक। बाढ़ के बाद केरल में कौन सी संक्रामक बीमारी फैल गई है, तो लेप्ट स्पाइरोसिस। ठीक, जिसे किस नाम से जानते हैं, रेड फीवर के नाम से, चूहे की यूरिन से यह बीमारी फैलती है। इसके साथ साथ आप लोग ये भी याद कर लीजिए कि जो भारत की नौसेना है उसने भारत का मदद किया था। ठीक, नौसेना ने केरल में बाढ़ से निपटने के लिए ऑपरेशन मदद चलाया था और थल सेना ने ऑपरेशन सहयोग चलाया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला हमारा, मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड अ ईयर इन ऑफिस, यह किसकी रचना है? यह रचना है वेंकैया नायडू की, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। और यह किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मोदी की भी एक रचना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम वॉरियर्स। एग्ज़ाम में जो स्ट्रेस होते हैं उससे निजात पाने के लिए मोदी ने एक बुक लिखा है, एग्ज़ाम वॉरियर्स। किस स्थान पर अलकनंदा क्रूज सेवा शुरू की गई है, तो यह शुरू किया गया है वाराणसी में। ठीक, अलकनंदा क्रूज सेवा, इसका उद्घाटन किया योगी आदित्यनाथ ने 2 सितंबर को। इसके अलावा वाराणसी में मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया है, जो कि अंतरदेशीय जल मार्ग व्यापार को बढ़ावा देगा। और वाराणसी में ही फ्रेट विलेज शुरू किया जा रहा है। फ्रेट विलेज कहाँ पे बनेगा, वाराणसी में, क्योंकि जब क्या होगा, अंतरदेशीय जल मार्ग से व्यापार होगा तो फ्रेट विलेज भी माल ढुलाई के लिए होना जरूरी है एक स्थान, तो इसीलिए फ्रेट विलेज कहाँ बन रहा है, वाराणसी में। ऑपरेशन ग्रीन योजना क्या है, तो किसानों की सहायता करने के लिए इस बार के केंद्रीय बजट में प्याज आलू टमाटर की कीमत में उतार चढ़ाव को रोकने के लिए ऑपरेशन ग्रीन योजना शुरू की गई है। इसका बजट कितना है, इसका बजट है 500 करोड़। राष्ट्रीय बांस मिशन क्या है, पहले बात तो यह जान लीजिए कि बांस को क्या कहा जाता है, ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। बांस को क्या कहा जाता है, ग्रीन गोल्ड। और इसका उद्देश्य, इसको शुरू करने का उद्देश्य क्या है, कि देश में बांस क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को बढ़ावा मिलेगा। बजट में इसके लिए कुल कितने रुपए रिलीज किए गए हैं, तो 1290 करोड़ रुपए, याद रखिएगा। ठीक, एकलव्य विद्यालय
काफी इंपॉर्टेंट है। नवोदय विद्यालय आप लोग सुने होंगे, तो उसी के तर्ज पे बनाया जा रहा है एकलव्य विद्यालय। स्पेशली यह किसके लिए बनाया जाता है, तो आदिवासी समुदाय के बच्चों को शिक्षित करने के लिए यह योजना बनाई गई है एकलव्य विद्यालय वाली। इसमें क्या सोचा गया है कि 2022 तक 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी और कम से कम 20,000 आदिवासियों के प्रत्येक ब्लॉक में एक एकलव्य मॉडल विद्यालय होगा। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पाकिस्तान का 13वां राष्ट्रपति किसे चुना गया है, तो पाकिस्तान के 13वें राष्ट्रपति हैं डॉक्टर आरिफ अलवी। और इसके साथ साथ अगर हम लोग पीएम की बात करें तो इमरान खान चुने गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में यूपी में डिजिटल ग्राम का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो डिजिटल ग्राम का उद्घाटन किया गया है अमेठी में। किसके द्वारा किया गया है, केंद्रीय वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा। ठीक, यहाँ पर क्या किया जाएगा, वाईफाई चौपाल बनाए जाएंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने गांधी जी से जुड़ा एक पाठ्यक्रम जारी किया है, इसका नाम क्या है, तो गांधी जी को क्या था, अनुभव बहुत ज़्यादा था। ये अनुभव लेके कहाँ से आया था, दक्षिण अफ्रीका से। इस पाठ्यक्रम का नाम भी क्या है, अनुभव जन्य शिक्षा, गांधी जी की नई तालीम। ठीक, जिसे जारी किया है 13 भाषाओं में हमारे HRD मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने। BSNL की नई ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो मैरी कॉम जो कि मुक्केबाज हैं इनको बनाया गया है BSNL का ब्रांड एम्बेसडर। अगला हमारा, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत ओवरड्राफ्ट की सुविधा का लाभ उठाने की आयु सीमा को 60 से बढ़ाकर कितना किया गया, तो आइए जानते हैं। ठीक, पहली बात तो देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तो काफ़ी ज़्यादा चर्चित थी। ठीक, सबसे ज़्यादा खाते खुलवाए गए हैं इस योजना में। इसकी घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2014 को और इस योजना को शुरू किया गया था 28 अगस्त 2014 में। ठीक है, तो इसमें पहले क्या था कि 60 साल जो आप पैसा जमा करते जाएंगे और उसको कब निकाल सकते हैं, 60 साल में। अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 65 साल तक आप पैसा को निकाल सकते हैं। और जो इन रूपी कितना पैसा निकाल सकते, पहले आप 5,000 निकाल सकते थे, अब कितना निकाल सकते हैं, 10,000। ठीक है, रुपे कार्ड धारकों की जो दुर्घटना बीमा कवर थी उसे 1,00,000 से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 2,00,000। तो सब डबल हो गया है, आयु बस 5 साल बढ़ा दी गई है। अगला हमारा, ककाड़ू अभ्यास, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि ककाड़ू अभ्यास कहाँ हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के डार्विन बंदरगाह पर। कौन सा हुआ है, तो 14वें नंबर का हुआ है, जिसमें 30 देश पार्टिसिपेट किए हैं। यह 29 अगस्त से 15 सितंबर तक चलेगा। भारत के किस पोत ने इसमें भाग लिया है, तो INS सह्याद्री ने, बस इतना याद रखिएगा। इसके अलावा INS सह्याद्री मालाबार अभ्यास जो हो रहा है गुआम US में, और दूसरा हो रहा है रिमपैक 18 हवाई US में, इन दोनों में भी INS सह्याद्री ही भाग ले रहा है। नेक्स्ट हमारा कि भारत का कौन सा शहर 24 साल बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की मेजबानी करेगा, तो लखनऊ। ठीक, लखनऊ में है इकाना क्रिकेट स्टेडियम, जो कि 1994 के बाद 6 नवंबर 2018 को इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच मैच होगा, कहाँ पे, लखनऊ में। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2022 तक राज्य का कुपोषण दर 11% कम करने का दावा किया है, तो ऐसा किया है हिमाचल प्रदेश ने। ठीक, यहाँ के CM कौन है, जयराम ठाकुर। अगर हम लोग बात करें यहाँ की राजधानी क्या है, तो शिमला, और दूसरी क्या है, धर्मशाला। ठीक है, इसके साथ साथ याद कर लीजिए कि कुपोषण का महीना किसे घोषित किया गया है, तो सितंबर महीने को घोषित किया गया है। ठीक, और राजस्थान में इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, 1 से 8 तक के बच्चों को दिन भर में 3 बार दूध दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का लोकार्पण कब होगा, 31 अक्टूबर 2018 को। इस प्रतिमा का नाम क्या होगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो भी रियासतें हैं उनके एकीकरण के लिए जाना जाता है, इसीलिए इस स्टैचू का नाम क्या रखा गया, स्टैचू ऑफ यूनिटी। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी 182 मीटर की। ठीक, इस समय जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा हो कौन सी है, चीन में है बुद्ध की प्रतिमा 128, 8 2 8 को उल्टा कर दीजिए हो जाएगा 182 मीटर। कुल कितना बजट है, 2,990 करोड़ रुपये का बजट से यह मूर्ति बन चुकी है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री सफाई अभियान ओशियन क्लीनअप कहाँ शुरू हुआ है, कैलिफोर्निया में।
दिल्ली सरकार द्वारा कितनी सेवाओं के लिए डोर स्टेप डिलीवरी योजना आरंभ की गई। डोर स्टेप डिलीवरी मतलब आपके घर पे ये सारी सुविधाएं होंगी। अगर आपको जन्म और जाति प्रमाण पत्र बनाना है, राशन कार्ड, इस तरह की 40 सरकारी सेवाएं हैं जो कि डोर स्टेप डिलीवरी देंगी। चलिए अब आते हैं हम लोग किस पे, ग्रैंड स्लैम पे आते हैं, टेनिस के। ठीक, तो यूएस ओपन 2018 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। तो हम लोग बात कर रहे हैं पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है यूएस ओपन में? नोवाक जोकोविच ने। ठीक, यह सर्बिया के हैं और 31 साल के हैं। अगर हम लोग बात करें महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो नाओमी ओसाका, जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं? जापान से। पुरुष युगल की बात करें तो माइक ब्रायन ने जीता है और जैक शोक ने, ब्रायन शोक ने जीता है पुरुष युगल। महिला युगल किसने जीता है? बार्टी बाबोस ने। ये है यूएस ओपन। इसके अलावा अगर आप सभी ग्रैंड स्लैम के बारे में देखना चाहते हैं, हमारे स्पोर्ट्स के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको ग्रैंड स्लैम से जुड़े या स्पोर्ट्स से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। रूस के इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? वोस्टॉक 2018। इसमें करीब 3 लाख सैनिक भाग लेंगे जो कि 10 से 15 सितंबर के बीच में संपन्न हुआ है, वोस्टॉक 2018। भारत और किस देश ने अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए मोबिलाइज योर सिटी, ये क्वेश्चन आया था बीपीएससी में और ये मैंने आपको शॉर्टलिस्ट भी किया था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने मार्क भी किया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोबिलाइज योर सिटी के लिए हस्ताक्षर किया है तो फ्रांस के साथ। ठीक है, इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहाँ कहाँ चलाया जा रहा है? नागपुर, कोच्चि और अहमदाबाद। भारत और श्रीलंका के बीच 7 से लेकर के 13 सितंबर के बीच संयुक्त अभ्यास स्लाइनेक्स, ये कौन सा स्लाइनेक्स कौन सा अभ्यास है? नौसैनिक अभ्यास है, का 8वां संस्करण कहाँ पे होगा? तो श्रीलंका में होगा, त्रिनोमाली। पहले यह पूछता था कि स्लाइनेक्स किनके बीच होगा, तो लोग बता देते थे कि भारत और श्रीलंका के बीच, लेकिन अब क्या पूछता है कि कहाँ पे होगा, तो त्रिनोमाली श्रीलंका में होगा यह अभ्यास, 8वां संस्करण है। हिमा दास को किस राज्य ने खेल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो असम ने। इन्होंने क्या किया है? एशियन गेम्स में 4x400 रिले में गोल्ड मेडल जीता है, साथ ही साथ IAAF में गोल्ड मेडल जीता है, और असम में मैं आपको बता दूं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक, किस राज्य में देश के पहले राष्ट्रीय रेल तथा परिवहन विश्वविद्यालय का संचालन शुरू होगा? तो यह होगा गुजरात के बड़ोदरा में, 15 या 16 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक, और अपने आप में ऐसा करने वाला यह भारत तीसरा देश है, पहले रूस ने किया है, फिर चीन ने, और तीसरा देश भारत है। ठीक है, जिसमें कि 2 ग्रेजुएट प्रोग्राम चलाए जाएंगे, कौन कौन से? BSc ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में 50 स्टूडेंट रखे जाएंगे और BBA ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट। ठीक है, अगला हमारा कि हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो बांग्लादेश के साथ। ठीक, भारत क्या करेगा? बांग्लादेश को 500 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली प्रदान करेगा। अखौरा अगरतला रेल लिंक को जोड़ेगा, 12 किलोमीटर की दूरी है यह सब, इसे किसके द्वारा जोड़ेगा? रेलवे लिंक के द्वारा। तीसरा है, बांग्लादेश रेलवे की कुलरा सहवाजपुर खंड किया जाएगा। ठीक है, बिम्स्टेक सैन्य अभ्यास मिलेक्स, बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक सैन्य अभ्यास मिलेक्स का पहला संस्करण कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो पुणे में। बिम्स्टेक के बारे में मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया। हाँ, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू हुआ है? नोमैडिक एलिफेंट शुरू हुआ है मंगोलिया के बीच। भारत और मंगोलिया कौन सा अभ्यास करेंगे? नोमैडिक एलिफेंट। स्वच्छ भारत मिशन के 4 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने स्वच्छता ही सेवा 2018 अभियान कब शुरू किया? तो 15 सितंबर को, और यह कब तक चलेगा? 2 अक्टूबर तक। भारत की सबसे उम्रदराज महिला एथलीट का नाम बताइए, जिन्होंने 102 साल की उम्र में विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2018 में गोल्ड मेडल जीता। इनका नाम है मन कौर, अपने मन की थी, मन से काम करती थी, इसीलिए 102 साल की उम्र में इन्होंने क्या किया है? वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक, 100 से 104 आयु वर्ग में इन्होंने 200 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है, 3 मिनट 14 सेकंड में यह दूरी इन्होंने
तय किया है। इनका जन्म हुआ था 1916 में चंपारण आंदोलन के पहले, गांधी जी के अफ्रीका से आने के एक साल बाद। ठीक, कहाँ पे हुआ था? पटियाला पंजाब में। या 20 किलोमीटर की दौड़ लगाती हैं। चलिए बात करते हैं मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो 130वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 130वां। ठीक, दास्ता में कौन सा है? 53वां। ठीक, कुल कितने देश हैं इसमें? तो 189 देश हैं। या किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो UNDP। नंबर वन पे देखिए, यहाँ पे नॉर्वे है, दो पे स्विट्जरलैंड है, और तीन पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया। अगर हम लोग बात करें कि इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है भारतीयों की, तो 68.8 है। ठीक है, और भारत में जो एड्स से लोगों की मृत्यु होती है उसमें 40% क्या है? महिलाएं हैं। हाल ही में किस राज्य ने वहां का पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? अरुणाचल प्रदेश में वहां के पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। यहाँ के CM है पेमा खांडू। किस पांचवें राज्य ने सरकारी कार्यों के लिए इलेक्ट्रिक कारों के प्रयोग को प्रयोग की शुरुआत की है? तो झारखंड ने। पहला कौन सा है? दिल्ली। जितने भी सरकारी कामकाज होंगे वह किससे होंगे? इलेक्ट्रिक कार से। क्यों होंगे? क्योंकि इलेक्ट्रिक कार क्या होगा? पॉल्यूशन फ्री होगा। ये बताइए, सौर ऊर्जा से जो कार चल रही है वो क्या होगी? पॉल्यूशन फ्री तो होगी। ठीक, तो ऐसा करने वाला पांचवा राज्य कौन सा है? झारखंड। पहला राज्य कौन सा है? दिल्ली। झारखंड ने क्या कहा है कि 2030 तक जो 30% सरकारी वाहन है उनको कन्वर्ट किया जाएगा इलेक्ट्रिक कार में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि 15वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन वाराणसी में कब होगा? तो 21 से लेकर के 23 जनवरी के बीच में होगा। इसको याद रखिएगा कि 21 से 23 नहीं, तो सब लोग जानते हैं कि 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, तो इसी दिन हो जाएगा सम्मेलन भी। ठीक, इसमें 18 से 35 साल के युवा भाग लेंगे। नुआखाई पर्व हाल ही में किस राज्य में मनाया जाएगा? तो ओडिशा में मनाया जाएगा नुआखाई पर्व। यह पर्व क्यों मनाया जाता है? नए फसलों के होने पर। भारत का पहला पानी में चलने वाला रोबोटिक ड्रोन कौन सा है? तो इसका नाम है आईरोव। याद रखिएगा, DRDO ने इसे रिसर्च के लिए नौसेना भौतिक और महासागरी प्रयोगशाला में इसे बनाया गया है। ठीक, किस राज्य में हाल ही में पहली शेर सफारी का उद्घाटन किया गया है? तो राजस्थान में। यूपी में तो बहुत पहले से है। किस राज्य ने बेरोजगारी से निपटने के लिए युवा नेस्टम योजना शुरू किया है? आंध्र प्रदेश ने। प्रोजेक्ट गांडीव किसने लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश ने। पहला थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे लगा है? आंध्र प्रदेश में। सबसे अमीर CM कौन कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के। ठीक, युवा नेस्टम योजना किसने चालू किया? आंध्र प्रदेश में। क्या किया जाएगा कि 25 से जो 35 वर्ष के लोग हैं उन्हें 1,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा और फ्री कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार ने हाल ही में किन बैंकों के विलय का फैसला कर दिया? और अगर यह विलय हो जाएगा तो यह देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बनेगा। ठीक, नंबर वन पे SBI है, नंबर दो पे PNB है। देना बैंक, विजया बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तीनों बैंक क्या कह रहे हैं? NPA ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिस वजह से क्या किया जाएगा? इनका विलय करके एक तीसरा सबसे बड़ा बैंक बनेगा SBI और PNB के बाद। देश की पहली डायल FIR योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो उत्तर प्रदेश में। कैसे काम करेगी सब चीज़ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, एक बार जो लोग पढ़े होंगे उनको तो याद हो जाएगा आज के बाद। ठीक, इसमें क्या किया जाएगा, जो 20,000 शिकायतें पर डे होती हैं तो डायल 100 पे। अब क्या होगा कि अब ये फ़ोन से FIR किया जा सकता है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे कहाँ चला गया है? तो गाजियाबाद में। इसमें जो अपराधी हैं उनके ऑनलाइन रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे और जैसे ही फ़ोन आएगा तुरंत उसमें से सर्च किया जाएगा कि उस अपराध से रिलेटेड कौन कौन से अपराधी हैं और जल्दी से उन्हें पकड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। किस राज्य की सरकार ने मानव तस्करी से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू किया है? तो स्वयं सिद्ध। ठीक है, ममता बनर्जी ने क्या किया है मानव तस्करी से निपटने के लिए, जो कि पश्चिम बंगाल में हो रही, उसके लिए स्वयं सिद्ध योजना चालू किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वच्छ पेयजल के लिए किस राज्य ने स्वच्छ धारा योजना शुरू किया है? आंध्र प्रदेश। फिर से रिपीट कर दें? ठीक है, शुरू कर दें। ओलंपिक में पदक बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट गांडीव चालू किया गया है। पहले थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया है आंध्र प्रदेश में। ठीक, युवा नेस्तम योजना चालू की गई है। सबसे जो अमीर मुख्यमंत्री है वो कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के।
भारत के किस स्थान पर पहली बार कुत्तों को समर्पित पार्क खोला गया? हैदराबाद में। ठीक, कौन है यहाँ के सीएम? चंद्रशेखर राव। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस के रूप में। इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में, जिस समय क्या बना था? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस बार इसका थीम क्या था? कीप कूल एंड कैरी ऑन, ठंडा रखो और जो मन करे वो करो। आजाद भारत की पहली महिला आईएएस ऑफिसर जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? उनका नाम था अन्ना रजम मल्होत्रा। ठीक, इनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल के एर्नाकुलम में। विश्व की पहली हाइड्रोजन ईंधन संचालित रेलगाड़ी को किस देश ने हरी झंडी दिखाई? तो जर्मनी ने। ठीक, 17 सितंबर 2018 को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीन तलाक पर अध्यादेश को मंजूरी कब दिया? 19 सितंबर 2018 को। 123 के द्वारा राष्ट्रपति क्या करता है? अगर संसद के सदन बैठक में ना हो तो अध्यादेश के द्वारा किसी भी कानून को तत्काल प्रभाव से लागू कर सकता है। अव्य इंद्र 18 नौसेना अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ है? तो इंद्र जहां भी आ जाए वहां कौन आएगा? रूस। ठीक, तो यह होगा दो चरणों में, पहला चरण रूस में होगा, दूसरा चरण भारत में होगा, क्योंकि अभ्यास कब होता है? वंस इन 2 ईयर, 2 साल में एक बार। हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न 2018 के लिए किसे चुना गया है? तो मीराबाई चानू और विराट कोहली। मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जरूर याद रखेगा। मीराबाई चानू क्या किससे बिलोंग करती है? भारोत्तोलन से, और विराट कोहली क्रिकेट से। ठीक, अगला हमारा द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए कितने लोगों को चुना गया? फिर मैं कहना चाहूंगी अवार्ड्स की प्लेलिस्ट में जाइए, डिटेल में पढ़ लीजिए पूरा। ठीक, अर्जुन पुरस्कार के लिए 20 लोगों को चुना गया, ध्यानचंद पुरस्कार के लिए 4 लोगों को। कूलिंग एक्शन प्लान पर दस्तावेज विकसित करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। ठीक, इसमें क्या होगा? भारत ने कहा कि अब हम वातावरण का तापमान बढ़ने नहीं देंगे। बैलिस्टिक मिसाइल प्रहार का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो उड़ीसा के चांदीपुर में। ठीक, यह स्वदेश में विकसित मिसाइल है जो कि सतह से सतह कम दूरी पर मार करने वाली मिसाइल है। भारत ने पहली बार किस स्थान पर हींग का पौधा उगाने में सफलता प्राप्त किया? तो हिमाचल प्रदेश में एक जगह है किन्नौर। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में जगह कौन सी है? किन्नौर। और गांव का नाम क्या है? लिप्पा गांव है, वहाँ पे हींग का पौधा उगाया गया है, सफलता मिली है। आतंकवाद प्रभावित देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? भारत तीसरे स्थान पर है। नंबर 1 पे इराक है, नंबर 2 पे अफगानिस्तान है, थर्ड पे है भारत। ऑस्कर 2019 के लिए भारत की किस फिल्म को आधिकारिक तौर पर प्रवेश मिला है? तो विलेज रॉक स्टार। ठीक, किसकी है मूवी? रीमा दास की, असमी भाषा में मूवी है। 2018 में न्यूटन को चुना गया था। ठीक है, नरोपा महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो लद्दाख में। इसे हिमालय का कुंभ मेला कहा जाता है। इसमें क्या होती है? लद्दाखी शादी का पोशाक पहनकर 299 महिलाएं एक साथ नृत्य करती हैं, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। हाल ही में पाक योंग एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में किया है? सिक्किम में किया है, और यह सिक्किम का पहला एयरपोर्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिक्किम की कैपिटल कहाँ है? गंगटोक है। एयरपोर्ट का नाम क्या है? पाक योंग एयरपोर्ट। यह ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है। ठीक है, किस योजना के तहत किया गया? तो ये भी पढ़ लीजिए, उड़ान योजना के तहत, उड़े देश का आम नागरिक। अब देखिए, इसमें ढेर सारे क्वेश्चन करवाने हैं तो मैं जल्दी जल्दी करवा दे रही हूँ, इसीलिए कहती हूँ कि आप लोग डेली करंट अफेयर देखा करिए। आइए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब लॉन्च हुई? लॉन्च हुई है, ध्यान से बिल्कुल सुनना इस क्वेश्चन को, 23 सितंबर 2018 को। कहाँ पे इसका लॉन्चिंग हुआ है? रांची, झारखंड। 24x7 24 आवर हेल्पलाइन नंबर क्या है? 14555। किसी को लगेगा ही नहीं कि ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर हो सकता है। ठीक, 14555 है। 31 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में लागू हो चुका है, 5 को छोड़ के। ठीक है, तेलंगाना, ओडिशा, दिल्ली, केरल, पंजाब। तेलंगाना में आरोग्य श्री योजना ऑलरेडी चल रही है, इस वजह से तेलंगाना इस योजना से बाहर है। इसमें क्या किया जाएगा? 13,000 हॉस्पिटल को इंक्लूड किया जाएगा, पब्लिक प्राइवेट दोनों। पेपरलेस और कैशलेस होगी। 1300 बीमारियों का इलाज किया जाएगा। 50 करोड़ जनता इसकी लाभार्थी होगी। 5 लाख का कवरेज दिया जाएगा पर परिवार को।
अगला हमारा, भारतीय सेना किस तारीख को हाइफा दिवस के रूप में मनाती है? तो 23 सितंबर को। कब मनाती है? 23 सितंबर को। कहाँ कहाँ मनाया गया? भारत के दिल्ली में और जयपुर में और इसराइल के हाइफा में। जब पहला विश्व युद्ध हो रहा था तो भारत के ब्रिटिश की तरफ से जो भारतीय सैनिक लड़े थे उन्होंने तुर्की और जर्मनी की सेना से लड़ करके इसराइल को आज़ाद करवाया था, ठीक। तो इस वजह से इसको हाइफा, इसराइल के हाइफा नामक जगह को इस वजह से क्या कहा जाता है? इसराइल हाइफा दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 सितंबर को। कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, देख लीजिए। जैसे इसराइल के पीएम कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू। मैगजीन कौन है? भारत और इसराइल की नमस्ते सालोम। भारत और इंडिया की सॉरी भारत और इसराइल किस पे काम किया है? तो बराक एड मिसाइल पर। जीवन सुगमता सूचकांक में नंबर वन पे कौन है? आंध्र प्रदेश। फिर आ गया आंध्र प्रदेश, ठीक, नंबर वन पे आंध्र प्रदेश है। ऊर्जा दक्षता मामले में भी नंबर वन पे आंध्र प्रदेश है। प्रोजेक्ट गांडीव भी चला गया है आंध्र प्रदेश में। युवा निस्तम योजना भी चलाई गई है आंध्र प्रदेश में। पहला थर्मल बैटरी प्लांट भी कहाँ खोला गया? आंध्र प्रदेश में, ठीक। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 73वें अधिवेशन में किस भारतीय को यंग लीडर अवार्ड से चुना गया? तो अंकित अग्रवाल को। किसे चुना गया? अंकित अग्रवाल। इसमें क्या किया? 184 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 18,000 लोगों ने, 184 देश के 18,000 युवाओं ने स्टार्टअप के लिए पार्टिसिपेट किया था। अंकित और करण को हेल्प अस ग्रीन योजना, मैंने आपको बताया अभी COP24 में इस योजना को क्या दिया गया है? मोमेंटम फॉर चेंज अवार्ड दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र का विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक। जिसके लिए किसने काम किया? अंकित और करण दो। ये क्या करेंगे? मंदिर के फूलों को थर्माकोल, जैविक खाद और इत्र में रिसाइकल करेंगे। मानव पूंजी रैंकिंग में भारत की रैंकिंग क्या है? 158वीं। यह किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के द्वारा जारी की जाती है। वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण वायु का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? दिल्ली में। सफर का भी कहाँ किया गया था? दिल्ली के चांदनी चौक में। यह किससे संबंधित था? वायु गुणवत्ता सुधारने और मौसम के पूर्वानुमान, जिसे किसने विकसित किया था? पुणे IITM ने, ठीक। अब इसका फुल फॉर्म देखिए क्या है? विंड ऑग्यूमेंटेशन प्योरीफाइंग यूनिट। इसे डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि पर्यावरण मंत्री है, उन्होंने कहाँ पे इसको फिट करवाया है? ITO चौराहा मुकरबा चौक, 500 मीटर के क्षेत्र में, ठीक। और 15 अक्टूबर तक कुल 24 जगहों पर लगवाया जाएगा वायु। इंद्र यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो नेपाल में, ठीक, नेपाल की कैपिटल काठमांडू। तंबाकू उत्पादों पर क्विट लाइन नंबर देने वाला सार्क का पहला देश कौन सा है? तो भारत। तंबाकू दर्दनाक मौत का कारण बनता है, तो सब पे लिखा रहता है। और क्विट करने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या दिया गया है? 1811-2356। आयुष्मान योजना का क्या है? 14555, ठीक। कब शुरू हुआ? 23 सितंबर को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रों को। इन्हें कौन सा सम्मान दिया गया है? चैंपियंस ऑफ द अर्थ, ठीक। किस लिए दिया गया? तो ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों पर काम करने के लिए, जैसे जेट्रोफा से बनाना ईंधन, सौर ऊर्जा, इसलिए। जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन ने दुनिया के सबसे बड़ी पक्षी का खिताब हाल ही में किसे दिया? तो बोरोम्बे टाइटन। कौन सा है? बोरोम्बे टाइटन, ठीक है। 800 किलो का होता है और 3 मीटर लंबा होता है। ट्राइब्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? मैरी कॉम। इसके साथ साथ इन्हें BSNL का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया। सिक्किम के ब्रांड एम्बेसडर है कौन? AR रहमान है। असम की हैं हिमा दास, जो कि धावक हैं। हाल ही में जारी किए गए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 96 है, ठीक है। नंबर वन पे हांगकांग है। सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो SS देसवाल को, ठीक। सशस्त्र सीमा SS SSS इसमें है और इनके महानिदेशक में भी SSS है, SS देसवाल, ठीक। BSF के DG कौन है? रजनीकांत मिश्रा। भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से 6 रोग से लड़ने के लिए गठबंधन किया है? अमेरिका ने, ठीक। इंडिया इंड्स TB अलायंस। TB फ्री इंडिया कब बनेगा? 2025 में, देखते हैं। अतुल्य भारत मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो KJ अल्फोंस ने किया है। किस लिए किया है? पर्यटन, राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार मिला है KJ अल्फोंस को, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। चलिए
अब आ जाते हैं, अब इतने मेहनत से आपको पढ़ाया गया है तो आपका क्या फ़र्ज बनता है कि अगर वीडियो पे ऐड आए तो ऐड को ज़रूर देखें। इसके साथ साथ जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं उसमें वीडियो को शेयर करते रहें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।